परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ परमेश्वर के नाम से अभिवादन को बांटती हूँ। इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय उसका पहला वाक्य, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर स्वर्गीय बुलाहट विषय पर 7 मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर में शरणागत हो। स्वर्गीय बुलाहट कहे तो ऊंचे पर से हम सब व्यक्ति विशेष के लिए अलग उद्देश्य की पूर्तिकरण से संबंध रखते हुए प्राप्त सौभाग्य है। अपने जीवन से पूरा करने का जीवन का परम प्रधान उद्देश्य है। पापियों को जीतने के लिए जो विश्वास से पीछे हट गए उन्हें लौटा लाने, परमेश्वर के नाम से कई लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने वाला उद्देश्य है ये बुलाहट है। ये एक ऐसा चुनाव नहीं है जो कोई भी कर सकता हो, यह एक कमांड है, एक आज्ञा है। मेरे प्रिय श्रोतागण, उस आज्ञा के अनुसार उसकी पूर्ति के लिए मेहनत करने वाले बने। डॉन रिचर्डसन नामक एक युवा मिशनरी के विषय में मैंने इस प्रकार पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर की ओर एक छोटा सा महाद्वीप है। उस द्वीप पर एक विशेष वंश जावी वंश नामक आदिवासियों के बीच सुसमाचार के साथ जाने के लिए स्वर्गीय बुलाहट प्राप्त करने वाले इस परमेश्वर के भक्त ने अपनी जवान पत्नी को लेकर और 11, 2 साल और 13 महीने की बच्ची को लेकर सुबह एक छोटे नाव पर चढ़कर जावी वंश को लक्ष्य बनाकर यात्रा आरंभ कर दी। घने जंगलों के बीच में बहती इस नदी में जब अन्य छोटी नदियां आम मिलती थी तो इसकी गहराई बढ़ती जाती थी और बहाव और तेज हो जाता था और जिस नाव में वे सफर कर रहे थे उसका नियंत्रण खो बैठते हैं, ऐसा उनको अनुभव होता था। मगरमच्छों से भरे एक विशेष स्थान पर पहुंचने पर नियंत्रण खोकर वह नाव डूब गई। उनकी पत्नी और 2 बच्चे उस नदी में गिर गए। हे परमेश्वर सहायता करना, पुकारते हुए उन्होंने डूबती हुई अपनी पत्नी और 2 बच्चों को खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। इतनी सब कठिनाइयों का सामना करते हुए अंत में जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वे आदिवासी रहते थे, उस वन के बीच में वे भी रहने लगे। उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी नहीं थे और ना ही पर्याप्त वस्त्र थे, जिनमें कोई शिष्टाचार भी नहीं था। ऐसे आदिवासी लोगों के बीच में उन्होंने जीवन आरंभ किया। उन्होंने जो स्वर्गीय बुलाहट पाई थी उसके बीच रुकावट बनकर खड़ी अति भयंकर ठंड और तेज बारिश, कीचड़ भरा स्थान, खून चूसने वाले कीड़े और फैलने वाली बीमारियों के कारण उनको भी ये विचार सताने लगा कि वे और उनका परिवार अब वहां नहीं रह सकता। इन वास्तविकताओं ने उन्हें यह कहकर प्रेरित करना आरंभ किया कि वे उस स्थान को छोड़कर चले जाएं। परंतु उनकी आंखों के सामने उन्होंने जो वास्तविकताएं नजर आ रही थी उनको अनदेखा करते हुए स्वर्गीय बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहते हुए जिस परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है वह विश्वास योग्य है, इस बात को स्मरण रखते हुए उन्होंने अपने भय को दूर किया। सब परिवार वहां सेवकाई आरंभ की। कड़ी मेहनत के द्वारा डॉन ने जावी वंश के लोगों की भाषा सीख पाया। जावी वंश के लोगों की संस्कृति को समझकर उन तक सुसमाचार पहुंचाया। 1962 से लेकर 1972 तक के 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के फल के तौर पर हाउस ऑफ पीस अर्थात शांति का घर नामक वृत्ताकार पेड़ों और घास से बना एक विशाल भवन का डॉन ने निर्माण किया। वहां विशेषकर उस स्थान के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी ठहरा कर डॉन किसी और नई जाति के बीच सेवकाई के लिए निकल पड़ा। प्रियो, स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना करते हुए
जावी वंश के बीच में सभा की स्थापना करने वाले दान नामक परमेश्वर के दास के समान हम भी, हम पर जो बुलाहट है वह क्या है उसे पहचान कर यीशु की ओर ध्यान से देखते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और मनों को एकाग्रित करें, एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पर पिता, इस अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद। आपने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसके लिए धन्यवाद। उसे पहचान कर हर दिन प्रभु यीशु को ताकते हुए उस लक्ष्य की पूर्ति की ओर बढ़ते हुए धन्य होने के लिए आप हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन आशीषमय हो।